हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिनों के बाद आपके साथ गपशप हो रही है, तो आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ नया नया देखने को मिल रहा होगा। तो भाई, इन दिनों हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देवर की शादी में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इसलिए हम लोग जो है साफ़ सफाई करने में भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बदला सा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे किचन का बाहर, किचन से बाहर वाला रूम था, वहाँ पे हमने वॉलपेपर लगा दिए हैं और पेंट का काम भी अभी जोरों शोरों पे चला हुआ है। ये देख लीजिए आप लोग, तो इस वाली दीवार में ही अब पेंट करना बाकी रह गया है, बाकी खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह रह गए हैं। तो पिछले एक दो दिन से हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि हम लोग साफ सफाई में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए थे। तो आप सभी को, सभी लोगों को पता है कि वैसे तो हम लोग हर रोज़ ब्लॉग लेके आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जब टाइम ही नहीं बचता है तो हम लोग आपके लिए ब्लॉग नहीं ले आते। तो हर एक जगह चला हुआ डेंटिक पेंटिंग का काम, और इतने में जो ट्यूशन के बच्चे आते हैं उनका भी आना जाना हो गया है स्टार्ट। तो अभी साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा है करने को। आगे भाई ट्यूशन पढ़ने तुम? तो आज तो तुम तीन ही बच्चे दिख रहे हो, और नहीं आए बाकी तुम्हारे फ्रेंड। मोस्टली जो बताऊँ, मैक्सिमम बच्चे आए नहीं है अभी, और शायद दोनों ने आज ऑफ किया हुआ है, लेकिन जो ये तीन चार बच्चे हैं ये आ गए हैं यहाँ पे। तो ये बोलते हैं कि भाई हमने पढ़ाई करनी है। तो आप सभी लोगों को पता है ही कि पापा जी एजुकेशन से रिटायर्ड हुए हैं, तो पापा ने भी बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया और बहुत ही अच्छा समझ आया बच्चों को। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आज हमारे नए टीचर ने हमें पढ़ाया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज भी ये तीन ही बच्चे आए हुए थे, तीनों बहुत ज़्यादा खुश हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने नानी के घर नहीं जाना है, हमने सिर्फ यहाँ पे रोज़ पढ़ने ही आना है। येलो डाला था, अब ग्रीन, अब कौन सा कलर बन जाएगा ये? अच्छा, पैरेट कलर बन जाएगा ये। तो मेरी अपनी YouTube फैमिली से रिक्वेस्ट है, साथ के साथ आप लोग बताते भी रहिएगा कि हमारा घर अच्छा लग भी रहा है नहीं, तो अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा। हम लोग आपको डेली अपने ब्लॉग में ये कहते हैं क्योंकि आप लोग सजेशन देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और कहते हैं ना कि हर एक आदमी से कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये पहले बेबी दीदी का कमरा हुआ करता था, अब ये बिल्कुल खाली रहता है। तो यहाँ की भी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर देंगे। तो हमारे लैंग्वेज में जब भी शादी होती है तो बोलते हैं कि कंदेव भी लगाना होता है, तो कंदेव हम लोग इसी कमरे में लगाएंगे। तो जब मेरी भी शादी हुई थी तो मैं भी सबसे पहले इसी कमरे में आई हुई थी, तो इसी कमरे में कंदेव लगाया हुआ था। तो आपके साइड भी ये रस्म होती है या नहीं मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी ये जो पेंटर लगे हुए हैं, इनका बाणी के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल हो गया है, बाणी इनको देखती रहती है और इनके साथ पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है। बाकी ये रहे कर्टेन सभी कमरों के, तो ये मैंने धो दिए थे अच्छी तरह से, बाकी आधे धो दिए हैं, आधे धोने को हैं।
तो हर काम पे लगा हुआ है, कोई भी बेल नहीं है। तो जो जो हमें हम लोगों को दिख रहा है हम लोग करते जा रहे हैं काम अपना फिनिश। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से पर्दे धो लिए थे और पतिदेव को कहा कि आप प्लीज सुखाने डाल दीजिए इनको, क्योंकि फिर मौसम भी कल ख़राब हो गया था। वैसे तो बारिश वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन हवा तूफान इतना ज़्यादा आया कि पूछो ही मत। बाकी रूम के वॉलपेपर भी आ गए थे तो वो भी हम लोगों ने खुद ही लगाए। तो मैक्सिमम तो लग ही गए हैं, लेकिन एक आधी दीवार बच गई है। आज पूरा कंप्लीट हो गया था तो वॉलपेपर ख़त्म हो गए, तो फिर से मुझे ऑनलाइन मंगवाने पड़ेंगे। तो अब 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा, फिर ये जो रूम है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कमरा जो है थोड़ा ऐसे ही लग रहा था, हमने यहाँ पे पेंट नहीं करवाया था क्योंकि मैंने पापा को बोला था कि हम लोग यहाँ पे पेंट नहीं करवाएंगे, हम लोग यहाँ पे वॉलपेपर ही लगाएंगे, क्योंकि जब भी आते हैं बाहर से तो सीधा यहीं बैठते हैं, चाहे कोई भी आए, गेस्ट रूम में पहुँच ही नहीं पाते पहले, यहीं बैठ जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी की जाए, इसको थोड़ा सा अलग बनाया जाए। वैसे तो ये लाइट ही हम लोगों ने मंगवाए थे, तो आप लोगों को कैसे लगे बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके। तो थोड़े ही दिन बाद अब हमारा घर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कलर भी हो जाएगा, वॉलपेपर भी लग जाएंगे, कर्टेंस भी लग जाएंगे। तो फिर आपको मैं एक बार हाउस टूर करवाऊँगी ज़रूर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पेंटर हैं बहुत ही अभी छोटी ही उम्र के हैं, तो बाहर से कमाने आए हुए हैं। तो देखिए इनका काम भी बहुत हार्ड वर्किंग होता है, ऐसा नहीं है कि पेंट का काम है तो ये आसान काम है, भाई कोई भी काम आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल भरा होता है। तो ये बेचारे भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे हमारी। तो आप लोगों को हमारा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर हमें कमेंट करके, और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा क्योंकि हमें भी इंतज़ार होता है आपके कमेंट, हम लोग देखते हैं रिप्लाई चाहे हम करते हैं या नहीं, पर हम आपके कमेंट जो हैं डेली बेसिस पे रोज़ पढ़ते हैं कि किन किन लोगों ने हमें क्या क्या बोला हुआ है। बाकी ये था हमारा आज का ब्लॉग, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।